आगे बढ़ी तो लोगों ने इस पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की बारी आई तो जॉन नीडम का एक्सपेरिमेंट सबसे टॉप पे आता है और इन्होंने सबसे पहले इस बात को हवा दी कि हाँ जी नॉन लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स का निर्माण होता है। कैसे होता है देखिए, इन्होंने सबसे पहले ब्रोथ लिया। ब्रोथ का मतलब होता है मांस का सूप। ठीक है, उसको इन्होंने एक फ्लास्क के अंदर गर्म किया, हीट दिया उसे गर्म किया और गर्म करने के बाद उस फ्लास्क को ओपन ही छोड़ दिया। ठीक है, फ्लास्क को ओपन छोड़ने के बाद कुछ टाइम इन्होंने वेट किया और वेट करने के बाद इन्होंने क्या देखा कि माइक्रोबियल ग्रोथ वहां पर हो चुकी थी, यानी कि उस जो सूप है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया पनप चुके थे, बैक्टीरियाओं की वृद्धि हो चुकी थी। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद ये कह दिया कि देखिए सर, निर्जीवों से क्या बताया इन्होंने, निर्जीवों से और क्या हो गई, सजीवों की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, निर्जीव क्या था, जो ब्रोथ था वो एक निर्जीव था। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया कि माइक्रोबियल ग्रोथ यानी कि माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो बन चुके हैं, तो निर्जीवों से सजीवों की उत्पत्ति हो चुकी है। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये घोषणा कर दी। लेकिन जब कोई आदमी काम करता है तो उसके अपोजिट लोग खड़े हो जाते हैं, तो इसके बाद लोगों ने इसकी गहराई तक जांच करना स्टार्ट किया। तो एक दूसरे साइंटिस्ट आए, फेरेस्को रेड्डी, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को देखा तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी करके देखता हूँ एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, 2 या 3 कंटेनर लिए। ठीक है, 3 कंटेनर लेने के बाद एक कंटेनर के अंदर इन्होंने ओपन कंटेनर रखा और उसके अंदर उन्होंने मांस के टुकड़े को रख दिया। ठीक है, ओपन था कंटेनर, तो उसमें उन्होंने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ मैगेट्स इन मीट, यानी मीट के अंदर जो मक्खी के लार्वा हैं वो उत्पन्न हो चुके थे, मैगेट्स उसके अंदर बन चुके थे। दूसरे नंबर के फ्लास्क को इन्होंने क्या किया, कॉर्क से टाइटली सील्ड कर दिया और इतना सील कर दिया कि उसके अंदर एयर भी नहीं जा सकती थी। ठीक है, और इसके बाद कॉर्क सील कंटेनर के अंदर इन्होंने क्या देखा कि नो फॉर्मेशन ऑफ मैगेट्स इन मीट, यानी कि मीट के अंदर किसी भी प्रकार के मैगेट्स का निर्माण नहीं हुआ, यानी कि मीट बिल्कुल सेफ था। अब दोनों फ्लास्क के एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने क्या किया कि एक तीसरा रास्ता निकाला और तीसरे कंटेनर के अंदर इन्होंने इस कंटेनर को कपड़े से कवर कर दिया। ठीक है, जिस कपड़े से कवर करने के बाद उसमें से एयर तो पास हो सकती थी लेकिन और कोई भी चीज उसमें से पास नहीं हो सकती थी, और नो फॉर्मेशन ऑफ मैगेट्स इन द मीट, यानी मीट के अंदर मैगेट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो फिर इन्होंने क्या बताया कि देखिए, मैंने कपड़े से कवर किया तो उसमें से मैंने एयर को तो अंदर आने दिया, बाकी की कोई भी चीज अंदर नहीं आ सकी। तो एयर जब अंदर आ सकती है तो बाहर भी जा सकती है, तो मीट की जो स्मेल थी वो बाहर गई और बाहर जाने के बाद जो मक्खियां होती हैं वो मक्खियां उस मीट की तरफ आकर्षित हुई। आकर्षित होने के बाद उस कपड़े पर आकर बैठी, वहां इन्होंने अपने अंडे दिया, अंडे देने के बाद वहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, मैगेट्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अगर आप जो बता रहे हो जॉन नीडम जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स बनती हैं, तो इस आधार पर जो मांस का टुकड़ा है इस पर भी मैगेट्स का निर्माण हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो मैगेट्स हैं उनका फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इस तरीके से फेरेस्को रेड्डी एक्सपेरिमेंट ने इस चीज को नकार दिया। ठीक है, इसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और स्प्लेंजानी एक्सपेरिमेंट आया हमारे सामने। स्प्लेंजानी एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने क्या किया, 2 फ्लास्क लिए। ठीक है, फ्लास्क ए और फ्लास्क बी, 2 फ्लास्क में इन्होंने क्या किया, जो ए फ्लास्क था उसको पूरी तरीके से गर्म किया, उसका जो ब्रोथ था, ब्रोथ क्या होता है, मांस का सूप होता है, उस मीट के सूप को इन्होंने पूरी तरीके से गर्म कर दिया ए फ्लास्क के अंदर। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर इन्होंने क्या किया, उसको गर्म कर दिया। दूसरे फ्लास्क पर इन्होंने क्या किया, लो टेम्परेचर रखा, यानी कि थोड़ा कम गर्म किया उस ब्रोथ को। ठीक है, और कम गर्म करने के बाद उसको थोड़ा सील ढंग से नहीं किया। ठीक है, लूज रख दी उस सील को थोड़ा सा, और यहां पर सील कैसी थी, उसकी सील कैसी रखी, टाइट रखी। ठीक है, तो ए फ्लास्क था उसकी टेम्परेचर हाई था और सील कैसी थी, टाइट थी। वहीं बी जो फ्लास्क था उसका लो टेम्परेचर था और सील कैसा था, लूज था। तो इन्होंने क्या देखा, कुछ टाइम इन्होंने वेट किया और वेट करने के बाद इन्होंने क्या देखा कि जो ए फ्लास्क था, ए फ्लास्क के अंदर किसी भी प्रकार की सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। वहीं जो बी फ्लास्क था, उस बी फ्लास्क के अंदर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया और सेल्स का फॉर्मेशन होने के बाद उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या बताया कि देखिए, हाई टेम्परेचर रखा हमने और सील को टाइट किया, यहाँ पर एयर नहीं आ सकती थी तो वहां पर किसी भी प्रकार की सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और जब हमने लो टेम्परेचर रखा और सील को थोड़ा सा लूज रखा, कॉर्क को थोड़ा सा लूज रखा, तो वहां पर एयर आ गई और आने के साथ कुछ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए और वहां पर उन्होंने अपनी ग्रोथ कर ली। अब स्प्लेंजानी के एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद दोबारा जॉन नीडम आए। जॉन नीडम ने क्या बताया कि सर, आपने जब उन्हें हीट दी, यानी कि जब उन्हें गर्म किया, तो जो वेजिटेटिव फोर्स होता है ऑर्गेनिज्म या फिर जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके अंदर एक वेजिटेटिव फोर्स पाया जाता है, उस फोर्स को आपने खत्म कर दिया टेम्परेचर के द्वारा, जिस वजह से वहां पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं हो सका। तो जॉन नीडम ने इसकी सिफारिश करी, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट था उसके बाद लोगों ने मना कर दिया। अब कई सारे एक्सपेरिमेंट हो गए, लेकिन लास्ट में आया आपका लुईस पाश्चर। ठीक है, लुईस पाश्चर का नाम भी माइक्रोबायोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्होंने भी एक टेस्ट किया, यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में एक्सपेरिमेंट किया कि सब कर रहे हैं तो हम भी ये करके देखते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सब बातों को ध्यान में रखते हुए अलग ही प्रकार का फ्लास्क लिया,
ठीक है। और फ्लास्क कैसा लिया कि उसकी जो नेक थी वो एस शेप्ड ली, ठीक है, थोड़ी सी कर्वड नेक ली उन्होंने फ्लास्क की। अब इसके बाद इन्होंने ब्रोथ को बॉइल्ड किया, बॉइल करने के बाद इन्होंने इसको खुला छोड़ दिया, कोई कॉर्क वॉर्क इन्होंने नहीं लगाई, और इस कर्वड नेक वाले फ्लास्क को इन्होंने खुला छोड़ दिया। अब खुला छोड़ने के बाद इन्होंने क्या देखा कि जो ब्रोथ था वो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री था, यानी उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या देखा, जो एस शेप की जो फ्लास्क थी उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, यानी कि जो गड्ढा है, यहाँ पर आकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर हम कहें माइक्रोब्स आकर इकट्ठे हो गए, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, उस करवट वाली जो नेक है उसको तोड़ दिया, ठीक है, उस फ्लास्क को यहाँ से खत्म कर दिया और एक नॉर्मल फ्लास्क बना दिया, और उसके अंदर इन्होंने क्या किया, उस जो ब्रोथ था उसको गर्म किया और इसे खुला छोड़ दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो चुकी थी ब्रोथ के अंदर। अब जब ये सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए तो इन्होंने एज ए रिजल्ट क्या बताया कि जब आप इसे ओपन छोड़ोगे, यानी कि एयर यदि आ गई अंदर, तो एयर के साथ कुछ माइक्रोब्स आएंगे, ठीक है, और वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, और ग्रोथ करने के बाद उनसे ही लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन होगा, यानी नॉन लिविंग थिंग से कभी भी लिविंग थिंग्स नहीं बन सकती। इसे इन्होंने क्या बताया, बायोजेनेसिस की फॉर्मेशन दी। तो ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स का बनना, ठीक है, और बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स का निर्माण होगा, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले एयर के थ्रू आएंगे अंदर और उसके बाद ही नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। तो जो लुई पाश्चर का एक्सपेरिमेंट है वो एक अलग तरीके के फ्लास्क के द्वारा इन्होंने बताया, और माइक्रोब्स आकर कहाँ पर ट्रैप हो गए, इस फ्लास्क की डंडी के अंदर ट्रैप हो गए, इस नली के अंदर ट्रैप हो गए। तो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन के कुछ एक्सपेरिमेंट थे। तो इसके बाद इन्होंने मना कर दिया कि भाई किसी भी प्रकार की जो एबायोजेनेसिस है वो नहीं पाया जाता, लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स का निर्माण हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स का निर्माण नहीं हो सकता। इसे अपन क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी मानते हैं। इसके बाद एक नया एक्सपेरिमेंट आया जॉन टिंडल का, जिसे अपन कहते हैं टिंडलाइजेशन, ठीक है, ये दो बार लिखा गया है, इसे अपन क्या कहते हैं, टिंडलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक नई विधि का खोज किया, स्टरलाइजेशन, ठीक है। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जीवाणु रहित करना किसी भी चीज को। इन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, ठीक है, उस फ्लास्क के अंदर इन्होंने एक चीज रखी जिसको इन्होंने निजर्मित करना था, यानी स्टराइल करना था, और इन्होंने क्या किया, उस चीज को गर्म किया, ठीक है, एक बार गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद उसे फिर ठंडा होने छोड़ दिया, फिर दोबारा उसे गर्म किया अगले दिन, फिर उसे ठंडा किया, फिर गर्म किया और फिर उसे ठंडा किया, और लास्ट में इन्होंने क्या घोषणा कर दी कि अब ये बिल्कुल जीवाणु इसके अंदर से मर गए हैं, यानी अब ये स्टराइल फॉर्म में आ चुका है। अब जब लोगों ने देखा कि बार बार गर्म ठंडा हो रहा है, तो उन्होंने पूछा भाई आप करना क्या चाहते हो, तो जॉन टिंडल ने बताया कि देखिए जब हम किसी चीज को एक बार गर्म कर देते हैं तो वहां से हमने मान के चलिए बैक्टीरिया या कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हमने खत्म कर दिया, लेकिन जो बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसे अपन बीजाणु कहते हैं, तो बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर भी सस्टेन कर सकते हैं, यानी जितनी भी टफ कंडीशंस होती हैं उन पर भी वो सस्टेन कर जाते हैं। उस चीज से बचने के लिए बार बार इसे गर्म ठंडा करना पड़ता है, जिससे जो स्पोर्स होते हैं उनको भी हम खत्म कर सकें, और यदि स्पोर्स जिंदा रह गए तो वो वापस से बैक्टीरिया बना लेंगे और कंप्लीट जो स्टेराइल की फॉर्म है वो नहीं हो पाएगी, इसलिए स्पोर्ट्स को भी नष्ट करना जरूरी होता है। इसलिए उन्होंने बार बार गर्म ठंडे की जो तरीका था वो इन्होंने बताया कि एक बार गर्म करिए फिर ठंडा करिए फिर गर्म करिए फिर ठंडा करिए, और इन्होंने बताया कि एक बार गर्म करने के बाद दोबारा ठंडा करने में जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो 8 आवर्स का होना चाहिए, यानी कि आपने गर्म कर दिया उसके बाद 8 घंटे उसे ठंडा करिए, ठंडा होने के 8 घंटे बाद फिर उसे दोबारा गर्म करिए, ठीक है। तो ये इन्होंने टाइम पीरियड के बारे में बताया। तो स्टरलाइजेशन की जो विधि थी जो सबसे पहले किसने बताई, जॉन टिंडल ने इसके बारे में बताया, जिसे अपन टिंडलाइजेशन के बारे में भी टिंडलाइजेशन के रूप में भी जानते हैं। इसको नाम दिया इन्होंने इंटरमीडिएट बॉइलिंग या फिर डिसकंटिन्यूअस बॉइलिंग के बारे में बात करा है। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को या किसी भी उपकरण है, कोई भी हमारे पास चीज है, उसको जीवाणु रहित करना या फिर रोगाणु रहित करना क्या कहलाता है, स्टेराइलाइजेशन कहलाता है। तो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी के बारे में हमने बात की।